नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्रायाणं नमो लोये सवसाहुण एषो पञ्चणमुकारो स्वपावपणासन मङ्गलाणं च स्ववेशिं पडमं ह वै मङ्गलम् ॐ नमो हरिहन्ताणम् महादेव्या कुक्षिरत्नं शब्दजीतर्वात्मजं राजचन्द्रं महं वन्दे तत्त्वलोचनदायकं प्रभुतत्त्वलोचनदायकम् ये स्वरूपसमजा विना पाम्यो दुःखान समजाव्य ते भगवन् श्रीसद्गुरुभगवन् गुरुवे नमः गुरुवे नमः परम गुरुवे नमः सद्गुरुवे नमो नमः अनन्त अनन्त भाव भेदथि भरलि भलि अनन्त अनन्तनय नक्षेपे व्याख्यानि च सकळ गीत कारिणी हारिणी मोह तारिणी भवद्वि मोक्ष चारिणी प्रमाणिमाप्यानि जेने तमारा के व्यर्थ पापथि नि जमति मा पी मे मनिच्छ अभो राजचन्द्रबाळ्यालन पताय जिनेश्वरी

श्री मंगत राय जी कृत बारह भावनाओं चिंतन चले दसवीं लोक भावना पृष्ठ संख्या 76 जिन अर्चना पहले तो लोक भावना क्या वो सामान्य शाब्दिक अर्थ समझना लोक का अर्थ होता है विश्व लोक लुक से बना लुक का अर्थ होता है देखना और अंग्रेजी में भी लुक का अर्थ देखना ही होता है पर संस्कृत में भी यही होता है इसका जहां पर जीवादि पदार्थ देखे जाते हैं उसका नाम लोक है अर्थात जहां पर द्रव्य पाए जाते हैं उसको लोक कहते हैं तो उस लोक के स्वरूप का चिंतन करना इस विश्व के स्वरूप का चिंतन करना लोक भावना में मुख्य रूप से विश्व के भौतिक स्वरूप का चिंतन किया जाता है भौतिक स्वरूप का मतलब ऐसा हो कि कौन कौन सी जगह है उन जगहों पर कौन कौन रहता है तो जिससे वो भी सब लेंगे अपन भावलोक की बात यहां नहीं कर रहे हैं यहां केवल द्रव्य लोक की बात कर रहे हैं तो एक बार इस विश्व का हमको पता चल जाए तो क्या होता है कि सबको जानने की इच्छा होती है आजकल वैज्ञानिक इसीलिए तो उड़ते हैं ना चंद्रमा पे जा रहे ना कोई मंगल पे जा रहे ना सबको एक जिज्ञासा होती है कि हम जिस धरती पे रहते हैं उसके अलावा भी और क्या क्या है ऐसी जिज्ञासा सबके रहती है इसलिए सब प्रयत्न करते हैं तो सर्वज्ञ भगवान ने अपने प्रत्यक्ष ज्ञान से इस विश्व को पूरी तरह देखा है जैसा है वैसा वे, देखा है तो उस विश्व को अपनी दिव्य ध्वनि में उन्होंने बताया गणधर भगवान की जिज्ञासा पर फिर गणधर देव ने उसको द्वादशांग में जो अंतिम दृष्टिवाद अंग है उस दृष्टिवाद अंग में जो चौथा अंग उसका पूर्व है जिसको चौद पूर्व कहते हैं उस चौद पूर्व का अंतिम पूर्व है उसका नाम है लोक बिंदु सार उसमें इस लोक का विस्तार से वर्णन किया हुआ है वो परंपरा से आचार्यों के माध्यम से हमारे तक आया है तो सर्वज्ञ की परंपरा से आया है तो वो कैसा है उसका चिंतन करना उसका नाम लोक स्वरूप भावना कहलाता है कहां तो स्वर्ग है ना कहां नरक है न कहा द्वीप है ना कहा समुद्र है न इस इनका चिंतन करना एक एक लाइन झेलने की लोक अलोक आकाश माहिथिर निराधार जानो लोक लोकलोक आकाशमाहिथिर निरादार पुरुषरूप कर्कटि भय षट् द्रव्य सो मानो पुरुषरूप कर्कटिभय षट् द्रव्य सो मानो इसका कोई न करता हरता अमित नादी है इसका कोई न करता हरता अमित नादी है जीव रूप उदगल नाचे आ में कर्म उपाधि है जीव रूप उदल नाचे या में कर्म उपाधि है पाप पुण्य सो जीव जगत में नित सुख दुख भरता पाप पुण्य सो जी नित सुख दुख भरता अपनी करनी आप करे शिर और के धरता अपनी करनी आप भरे शिर और के धर मोह कर्म को नाश मेट कर सब जग की आशा मोह कर्म को नाश मेट कर सब जग की आशा निज पद में होय लोक के शीश करो बासा निज पद में थिर होय लोक के शीश करो बासा लोक अलोक आकाश माही थिर निराधार जानो पुरुष रूप कर भय षट सोमा इसका कोई न करता हरता मितनादि है जीव रूप उदल नाचे आ में कर्म उपाधि है पाप पुण्य सो जीव जगत में नित सुख दुख भरता अपनी करनी आप भरे शिर और के धरता मोह कर्म को नाश मेट कर सब जग की आशा निज पद में थिर हो ये लोक के शीश करो बासा निज पद में थिर होय लोक के शीश करो बासा लोक अलोक आकाश माही थिर निराधार जानो लोक और अलोक दोनों आकाश थिर आकाश में स्थित हैं और कैसे हैं निराधार जानो कोई आधार नहीं है अपना ही आधार है वास्तव में देखो तो इस जगत में जितने भी पदार्थ हैं वो किसी अन्य के आधार पर नहीं है सभी अपने स्वयं के आधार पर ही टिके हुए हैं ये जो जितना विश्व है उस सारे विश्व में सबसे बड़ा तत्व है उसका नाम है आकाश जिसका लक्षण अवगाहना है स्थान मात्र है दूसरों को स्थान देना ही जिसका लक्षण है वो ही इसका स्वरूप है आकाश का अर्थ कुछ नहीं ऐसा नहीं है आकाश का अर्थ ऐसा पदार्थ जो दूसरों को जगह देने में समर्थ है ऐसे पदार्थ का नाम आकाश बहुत से लोग उसको शून्य कह देते हैं शून्य मतलब कुछ नहीं किसी बच्चे को कमरे में भेजते हैं और उस कमरे में कुछ भी नहीं है फिर वो आता है। फिर पूछते हैं उसको कि भाई उस कमरे में क्या देखा तुमने तो वो कमरा खाली था कुछ नहीं था उसमें परंतु वास्तव में उस कमरे में क्या क्या था क्या कभी कोई जगह खाली हो सकती इस संसार में कुछ भी खाली नहीं है सब भरा हुआ है कुछ नहीं है तो वह आकाश जरूर है क्योंकि आकाश तो सर्वत्र व्याप्त है अब चूंकि वह अरूपी पदार्थ है हमको दिखता नहीं है जो हमको दिखता नहीं है ना उसको ऐसा कहते हैं कि यहां कुछ नहीं है आत्मा भी तो ऐसा है ना आत्मा भी हमको दिखता नहीं तो उसको खाली जगह नहीं कह सकते जैसे आकाश अमूर्तिक है वैसे आत्मा भी तो अमूर्तिक है तो उसको हम खाली नहीं कह सकते रिक्त स्थान है ये कुछ नहीं ऐसा नहीं कह सकते ऐसे इस जगत में अधिकांश पदार्थ तो अरूपी है रूपी तो एक मात्र पुद्गल है तो जितने अरूपी हैं वो कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है वो भी हैं। वो अपने स्वरूप में है ऐसे ही आकाश भी अपने स्वरूप में एक पदार्थ है वो भी जैसे अन्य पदार्थ उत्पाद व्यय और ध्रव्य से युक्त हैं उसी प्रकार आकाश भी एक पदार्थ है और वो भी उत्पाद व्यय और ध्रव्य से युक्त है वो भी अपने आकाश भाव को हमेशा बनाए रखता है इसलिए वो स्थिर है ध्रव्य रूप है और उस आकाश तत्व का निरंतर परिणमन हो रहा है जैसे आत्माकार अन्य पुद्गल आदि का निरंतर अवस्थाएं बदलती है ना उस आकाश की भी अपनी स्वभाव अर्थ पर्याय निरंतर बदल रही है और स्वभाव व्यंजन पर्याय भी उसकी निरंतर बदल रही है इसलिए वो परिणमनशील उत्पाद व्रोव है ये जो आकाश है वो पहले समय का जो आकाश है वो दूसरे समय का आकाश नहीं है परिणमन हो गया उसका तीसरे समय का आकाश अलग चौथे समय का आकाश अलग अवस्था रूप में और उसका जो मूल आकाश तत्व है वो कभी बदलता नहीं है ऐसे उत्पाद व्रव्य से युक्त पदार्थ आकाश नाम का एक पदार्थ है जो सर्वव्यापी है सर्वव्यापी का मतलब है कि ये पूरा विश्व है जिसका कोई आदि नहीं है जिसका कोई अंत नहीं है ऐसा ये विश्व है अनादि अनंत है उस विश्व में सर्वत्र ये आकाश नाम का एक पदार्थ है अब जितने आकाश में जीव पुद्गल, धर्मास्तिक आय अधर्मास्तिक आय और काल इतने पदार्थ रहते हैं जितने आकाश में ये पांच पदार्थ रहते हैं उसको लोक कहा और बाकी के आकाश को अलोक कहा और ये लोक और अलोक दोनों मिलकर के विश्व कहा विश्व में दोनों आ जाते हैं और लोक में केवल क्या आएगा अनंतानंत जीव पदार्थ अनंतानंत पुद्गल पदार्थ एक अखंड धर्मास्थिका है एक अखंड लोकव्यापी अधर्मास्थिका है असंख्य कालाणु और इतने प्रदेश में जितने आकाश के प्रदेश रहते हैं ये सब इस लोक में आ गया उसको लोक कहते हैं। और ये लोक कहां हैं तो कहा आकाश के ठीक मध्य में ठीक मध्य में तो इसलिए कहा कि जिसका कोई आदि और अंत नहीं है उसकी प्रत्येक जगह मध्यस्थान होती है जिसका कोई आदि अंत नहीं होता उसकी हर जगह मध्यस्थानी होती है आप जहां अब मैंने यहां पर अंगुली रखी इस टेबल पर अब इसका क्योंकि आदि है इसकी कहीं से शुरुआत हो रही है इसलिए आप ऐसा कह सकते हैं कि आपने इसके किनारे पर अंगुली रखी है पर मैं यहां रखूंगा तो आप ऐसा कहेंगे तो आपने इसमें मध्य में अंगुली रखी है और यहां रखूंगा तो कहोगे किनारे पर क्यों क्योंकि इसका अंत होने वाला है परंतु अगर इसका अंत ही नहीं हो तो जिस जगह पर आप अंगुली रखो वो मध्य बिंदु ही है जैसे एक गेंद होती है गेंद गोलाकार तो आप जहां पर भी उसके ऊपर अंगुली रखो वो उसका मध्य बिंदु है उसका आप आदि बिंदु नहीं निकाल सकते उसी प्रकार से जितने आकाश में ये लोक रहते हैं मतलब जीव अजीव वो उसके सबसे मध्य बिंदु में रहते ये लोक की स्थिति है और वो लोक है वो आकाश के आधार पर स्थिर है चारों तरफ आकाश है उसकी जो षडद्रव्यात्मक लोक है अब उसका आकार क्या वो बताते हैं तो जिस प्रकार से एक पुरुष अपने पांव फैला करके और हाथ फैला करके फैला करके मतलब कहा कमर पे रख करके ऐसे पांव फैलाया और दोनों हाथों को कमर पे रखा ऐसे कोहनियों को फैला कर गए ऐसे कोई पुरुष खड़ा है उस पुरुष के आकार का ये लोक है इसलिए उसको पुरुषाकार ऐसा कहा जाता है इस लोक को मुख्य रूप से जीव और पुद्गल के रहने की जगह के हिसाब से और आध्यात्मिक दृष्टि से देखो तो जीवों के कषायों की तरतमता के आधार पर उसको तीन भागों में बांटा कषायों की तरतमता मतलब जीव पूरे लोक में रहते हैं पर इस लोक को तीन भागों में बांट दिया एक अधोलोक एक मध्यलोक और एक ऊर्ज्वलोक जैसे पुरुष के शरीर को तीन भागों में बांट दिया नाभि के नीचे वाला अधोलोक नाभि से लगा करके गर्दन तक अथवा नाभि ही कहो उसको वो मध्यलोक क्योंकि मध्यलोक छोटा है और नाभि से ऊपर का जितना भी है वो सारा का सारा उर्धोलोक ये किस आधार पर तो अधोलोक में सबसे निकृष्ट प्रकार के प्राणी रहते हैं अर्थात बहुत ही तीव्र कषाय वाले प्राणी रहते हैं इसलिए उसको अधोलोक कहा वो निकृष्ट स्थान है जैसे अपने शरीर का नाभि के नीचे के स्थान को अपन निकृष्ट मानते हैं, क्योंकि वहां इस प्रकार के अंग है जो अंग अशुचिमय कहलाते इसलिए वो निकृष्ट स्थान है उसी प्रकार से ये जो लोक है उस लोक में जो नीचे का भाग है उस नीचे के भाग में निकृष्ट प्राणी रहते हैं बहुत विषय कषाई प्राणी रहते हैं इसलिए नरकों की भूमिया वहां पर स्थित मध्य लोक में मध्यम कषाई जीव रहते हैं मनुष्य रहते हैं तिरियंच रहते हैं ये मध्यम कषाई वाले होते हैं यहां पर अरिहंत मुनियों को इत्यादि को छोड़ देना और फिर ऊर्धल लोक उसर्ध लोक में मंद कसाई जीव रहते हैं और फिर अंत में लोक के अंत में कषाई से रहित जीव रहते हैं निष्कसाई जीव रहते हैं उनको अपन भगवान कहते हैं उनको अपन सिद्ध कहते हैं इसके आधार पर इस लोक को तीन भागों में बांट रखा है अब उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या है तो अगर ऊंचा देखें तो पुरुष को ऊंचा देखें तो नीचे पैर से लगा करके सिर तक चौदह रज्जु प्रमाण है चौदह रज्जु प्रमाण एक रज्जु क्या होता है ये इसके मापने का जगह है जिससे अपने पटरी होती है ना एक सेंटीमीटर दो सेंटीमीटर फिर एक किलोमीटर दो किलोमीटर ऐसे एक रज्जु होता है रज्जू सामान्य रूप से रज्जु रस्सी को कहते हैं वो मापने का मापन होता है तो ये रज्जु कितना रज्जु एक रज्जु में कितने लंबाई है मतलब कितना दूर तक जाता है एक रज्जू तो कहते हैं असंख्यात योजन का एक रज्जु होता है अपन उसको राजू भी कहते हैं रज्जू भी कहते हैं असंख्यात योजन का एक रज्जु होता है अब ये एक योजन कितना होता है तो योजन दो प्रकार का है एक तो जो अकृत्रिम वस्तुएं हैं उसको मापने का योजन होता है और एक कृत्रिम वस्तु जो अपन बनाते हैं संयोग से बनी हुई है वियोग होता है जिनका उनको मापने का होता है तो जो अकृत्रिम योजन है वो तो एक योजन 2000 हजार कोष का होता है कितने का 2000 हजार कोष दो कोष कितना होता है एक कोष कितना होता है एक कोस कितना होता है तो लगभग तीन साढ़े तीन मील माइल इतना एक कोस होता है और एक कोस में एक माइल में किलोमीटर कितने होते हैं तो लगभग पौने दो किलोमीटर के आसपास का एक माइल होता है ऐसे चार माइल का मतलब तीन साढ़े तीन माइल का एक कोस और ऐसे दो हजार कोस उसका एक योजन होता है अकृत्रिम वस्तुओं को माप अकृत्रिम वस्तुएं क्या हैं ये जितने भी द्वीप सागर वगैरह है, हैं वो अकृत्रिम वस्तुएं हैं नरकों की भूमिया है स्वर्गों के विमान हैं ये सब अकृत्रिम वस्तुएं है किसी ने बनाई नहीं अपने आप नेचुरली बने हुए हैं अनादि से है अनंत काल तक रहेंगे उनको मापने का ये योजन है तो वो बड़ा योजन कहलाता है और छोटा योजन मात्र चार कोष का होता है वो छोटी छोटी, छोटी चीजों को मापने का होता है असंख्यात योजनों का एक राजू होता है ऐसे चौदह राजू ऊंचा यह लोक है केवल ऊंचाई नहीं है दाएं बाएं सब जगह है तो उसकी लंबाई भी है चौड़ाई भी है घन रूप में है अगर उसको घन रूप में देखें तो यह 343 घन रज्जु प्रमाण है घनाकार मतलब चारों तरफ से भरा हुआ उसको लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई इन तीनों को लेते हैं तो वो घन बन जाता है तो तीन सौ राजू प्रमाण घन है ये।, ये लोक बता रहे अब ये चौदह राजू है उसमें सबसे नीचे अपने नीचे से थोड़ा चालू करते हैं। थोड़ा लोक का स्वरूप बताएंगे थोड़ा ज्यादा नहीं है सात राजू प्रमाण नीचे ऊपर सात राजू प्रमाण ये दो भाग में बांट दिया तो लोक और अधोलोक और जो मध्यलोक है वो वास्तव में अधोलोक का एक पार्ट है उसके ही उसकी सतह को अपन मध्य लोक कहते हैं तो नीचे सात राजू प्रमाण का जो अधोलोक है वहां पर सबसे नीचे इस लोक में सबसे नीचे कहां पर तो ये पूरा लोक है ना वो तीन वायुओं से घिरा हुआ है उसको वात वलय कहते हैं वो वायु स्थिर पवन है वो अपने स्थान से डिगती नहीं है वो वायु उस चारों तरफ से वो लगी हुई तो सबसे अंदर वाली वायु है वो घनोदधि वात वलय कहते हैं वो थोड़ी लिक्विड प्रकार की वायु उसको घनोदधि कहते हैं फिर उसको घेरे हुए इस लोक को घेरे हुए तो ये घनोदी वात वलय और फिर घनोदधदी वात वलय को घेरे हुए घन वात वलय वो ठोस प्रकार की वायु और फिर उस घन वात वलय को घेरे हुए तनु वात वलय वो थोड़ी विरल वायु है छुट्टी छुट्टी ऐसे तीन वात वलय से घिरा हुआ ये लोक है उसमें सबसे नीचे एक राजू प्रमाण जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में केवल पंच स्थावर और निगोदिया जीव ही रहते हैं निगोदिया जीव इस लोक में समस्त जगह रहते हैं सब जगह कोई जगह ऐसी नहीं है जहां निगोद का जीव नहीं रहता है निगोद के जीव का मतलब होता है वो एक इंद्रिय होता है एक शरीर के आश्रय से अनंत जीव रहते हैं अनंत अनंत जीव रहते हैं और वो सब साथ ही जन्म जन्मते हैं साथ ही मरण करते हैं उसी जगह पर रह करके। और जन्म मरण ही करते रहते उनका कोई दूसरा कुछ है ही नहीं सुख दुख नाम कुछ जानते ही नहीं हो। दुखी है वो निगोदिया जीवों का स्थान है वो वहां पर सभी निगोदिया और स्थावर सूक्ष्म स्थावर वगैरह जीव रहते हैं वो एक राजू प्रमाण है फिर उसके आगे जाएंगे तो नरक की सातवीं पृथ्वी है अपन नीचे से ऊपर जा रहे हैं नरक की तीन पृथ्वी सात पृथ्वी है किसको नाम याद है? बहुत बार पढ़ाया है नरकों की पृथ्वियों के नाम याद है किसी को ये जो लोग कहते हैं ना कोई स्वर्ग नहीं कोई नरक नहीं ऐसा नहीं है ये स्थान बने हुए हैं सब जगह और जो वैसे पाप करता है तो वो ऑटोमेटिक उस पृथ्वी में पहुंच जाता है क्योंकि वहां की विशेषता ही है ऐसी है। जितली जितली याद है तो सबसे ऊपर की है वो रत्न प्रभा फिर दूसरे नंबर की शर्करा प्रभा तीसरे नंबर की बालू का प्रभा चौथे नंबर की पंक प्रभा पांचवे नंबर की धूम प्रभा छठे नंबर की तम प्रभा और सातवें नंबर की तम तम प्रभा अर्थात महातम प्रभा ये प्रभा है वो क्या है प्रभा का मतलब वहां की जो मिट्टी है उस मिट्टी की जो प्रभा है आभा है उसको प्रभा कहते हैं इसलिए उस पृथ्वी का नाम भी प्रभा ऐसा हो गया तो सबसे नीचे कौन सी है तम तम प्रभा वो उष्ण प्रधान शीत प्रधान है वहां वहां ठंडी खूब है कितनी ठंडी है कि आप माइनस करोड़ डिग्री समझो उसको इतनी ठंडिया वहां पर है और इन ये जो जितनी पृथ्वी सात पृथ्वी है वहां सारी पृथ्वी पर नारकी नहीं रहते हैं उन पृथ्वियों में भी बिल बने हुए हैं बिल क्या होते हैं नारकियों के रहने के स्थान को बिल कहते हैं वो एकदम अंधकार युक्त तो होते हैं अंधकार युक्त तो, तो इसीलिए कि चंद्र सूर्य इत्यादि वहां पर नहीं है ऋतुओं का बनना बिगड़ना वो वहां पर होता नहीं है वो तो अपने इसी मध्यलोक में ही है सारे के सारे तो वहां पर जैसे अपने अंधेरे कुए होते हैं ना उस प्रकार से बिल बने होते हैं उन बिलों में अंधेरों में नारकी जीव एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते हैं अब वो बिल का मतलब ऐसा नहीं कि सांप का बिल होता है एक हाथ का उन बिलों की लंबाई चौड़ाई कितनी होती है तो संख्यात योजन अथवा असंख्यात योजन वहां ऐसा बताते हैं कि एक बिल जो सबसे बड़ा असंख्यात योजन का है तो वो कितना बड़ा है तो एक देव देव योनि का जो जीव होता है ना वो एक अपना जो जम्बूद्वीप है ना जम्बूद्वीप के एक सिरे पर खड़ा है उसको दूसरे सिरे पर जाने के लिए जैसे अपन एक पलक झपकते हैं ना उतने में वो अगर चले तो वो दूसरे सिरे पर चला जाता है जंबूदीप के एक सिरे पर जो एक लाख योजन का है उसके एक सिरे पर से दूसरे सिरे पर जाने में उस देव को कितना समय लगता है केवल एक पलक झपकते ही वो दूसरे सिरे पे पहुंच जाता है वो देव उसी गति से छ महीने तक लगातार चलता रहे कितने महीने तक चलता रहे छ महीने तक चलता रहे तब जाकर के वो उस बिल के इस छोर से उस छोर तक पहुंचेगा वो इतना बड़ा बिल होता है उतने बड़े बिल में असंख्यात नारकी लोग रहते हैं और ऐसे कितने बिल हैं नरकों में तो चौरासी लाख बिल हैं उसमें जो सबसे सातवीं पृथ्वी है वहां केवल पांच बिल है बाकी जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे ना तो बिलों की संख्या बढ़ती जाती है उसमें बयासी लाख बिल है वो ऊपर की पृथ्वियों के हैं इसलिए वो उष्ण प्रधान है और केवल दो लाख बिल हैं, वो तमतम प्रभा की और आ, महातम प्रभा के हैं और थोड़ा भाग धूम प्रभा का है इतना ही बिल वो दो लाख बिल है और वो शीत प्रधान है वहां ठंडी बहुत है और बाकी बयासी लाख बिलों में गर्मी बहुत है असह्य गर्मी है वहां पर असह्य ठंडी है तो उस तम तम प्रभा पृथ्वी के ऊपर फिर तम प्रभा है उसके ऊपर धूम प्रभा है ये सब एक एक राजू प्रमाण है थोड़ा स्थान छोड़ के फिर एक राजू फिर एक राजू इस प्रकार से है उसके फिर उनके भी अलग अलग प्रकार के पटल हैं अपन उसके विस्तार में नहीं जाएंगे अपने को इसके ऊपर धूम प्रभा धूम प्रभा के ऊपर पंक प्रभा पंक प्रभा के ऊपर बालू का प्रभा बालू प्रभा बालू का प्रभा के ऊपर शर्करा प्रभा और शर्करा प्रभा के ऊपर रत्न प्रभा ऐसे ये नरकों की बिले बनी नरकों के बिल बने हुए हैं की भूमिया है सारी भूमि तो एक भूमि तो वात वालय इधर से उधर तक छूती है उस सब में नारकी नहीं रहते हैं, उन बिलों में नारकी रहते हैं। सबसे पहली भूमि है रत्न प्रभा उसके तीन भाग हैं खर भाग पंख भाग और अब बहुल भाग सबसे नीचे का भाग है वो अब बहुल भाग है उस अब बहुल भाग में पहले नरक के नारकी लोग रहते हैं उसमें कौन रहते हैं पहली नरक के जो नरक में जाता है तो जिसने नरक गति का आश्रव किया तो सभी एक ही नरक में नहीं जाते हैं जिसने जितना प्रगाढ़ कर्म बंध किया हो अब कर्म कम तीव्रता का है तो वो पहली नरक में जाएगा तो उसका आयुष्य भी वहां कम होगा और जल्दी से निकल जाएगा फिर अगर ज्यादा थोड़ा तीव्र किया तो दूसरी में जाएगा फिर तीसरी में जाएगा फिर चौथी में जाएगा और बहुत अधिक हिंसा आदि आरंपरक तो वो सातवें नरक में जाता है वहां तैतीस सागर की आयु होती वहां बहुत अधिक दुख है तो अब बहुल भाग में पहले नरक के नारकी रहते फिर उसके उसके बीच में उसके आगे पंख भाग है उस पंख भाग में देव रहते हैं नारकी नहीं रहते पृथ्वी किसकी है नरक की पृथ्वी है पर वहां नारकी नहीं रहेंगे वहां देव रहेंगे और कौन से देव रहते हैं भवनवासी और व्यंतरवासी अपन कहते हैं व्यंतर तो जो व्यंतर सात प्रकार आठ प्रकार के व्यंतर हैं किन्नर किम पुरुष गंधर्व मोहरोग यक्ष राक्षस भूत पिशाच ये आठ प्रकार के व्यंतर उन आठ प्रकार के व्यंतरों में ये जो राक्षस जाति के हैं व्यंतर देव उनके भवन वहां पर बने हुए वो वहां पंख प्रभा में उनके बड़े बड़े भवन बने योजनों लंबे और बहुत सुंदर सुंदर भवन बने हुए हैं, उन भवनों में वो रहते हैं और दस प्रकार के भवनवासी हैं असुर ने इस प्रकार से नाग कुमार ने असुर कुमार ने दीप कुमार, कुमार ने दिक कुमार ने ये दस प्रकार के हैं उनमें से जो असुर कुमार हैं उनके भी भवन वहां पर बने हुए तो भवनवासियों के असुर कुमार और व्यंतरों के राक्षस जाति के जो देव होते हैं वो खर भाग में रहते हैं मतलब रत्न प्रभा का दूसरा पार्ट है बीच वाला पार्ट उसमें और फिर पंख भाग सॉरी खर भाग नहीं और सबसे ऊपर वाला भाग है वो खर भाग खेलाता है उस खर भाग में कौन रहते हैं तो बाकी के जितने भी नीचे नीचे तो बाकी के जितने भी व्यंतर देव और भवनवासी देव बचे नौ जाति के भवनवासी और सात जाति के वेंतरवासी, वो सब वहां पर उनके भवन बने हुए हैं बड़े बड़े विशाल काय योजनों योजनों लंबे भवन बने हैं उसमें असंख्यात भवनवासी और वेंतरवासी जीव वहां पर अपने देव देवियों के साथ रहते हैं वहां खूब सुंदर सुंदर जिनालय बने हुए हैं ये सब नेचुरल बने हुए हैं किसी ने बनाया नहीं अनादिकाल से अनंत काल तक उसी प्रकार से रहेंगे वो जो खर भाग है उसके सोलह भाग हैं सोलह पृथ्वी अलग 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 प्रकार की उसमें सबसे ऊपर का भाग उसका नाम चित्रा नाम है उसका वो जो चित्रा भाग है उसका सबसे ऊपर वाला भाग है ना उसपे हम रहते हैं अभी ये सतह है उसकी तो हम कहां पर रह रहे हैं अभी नरक की पहली पृथ्वी का सबसे ऊपर वाला भाग है उस पर हमारा ये लोक है इसका विस्तार है और असंख्या लोग भी कहते हैं क्योंकि यह समतल है और असंख्या द्वीप समुद्रों से लगा हुआ है उसमें सबसे बीच में सुमेरु पर्वत है वो सुमेरु पर्वत है वो एक लाख योजन विस्तार वाला है नीचे धरती पे दस हजार की नींव है और नब्बे हजार ऊपर है और उसकी चुली का है चालीस योजन की चुलिका है ऐसा करके एक लाख चालीस योजन लंबाई का वो सुमेरु पर्वत है उस सुमेरु पर्वत के चारों तरफ अपना एक लाख योजन थाली के आकार का जम्बू द्वीप है जहां पर हम रहते हैं जहां सात क्षेत्र हैं, उसमें एक भरत क्षेत्र है उस भरत क्षेत्र में छह खंड है उसमें एक आर्य खंड है और उस आर्य खंड में भारत देश है वहां पर हम रहते हैं उस जम्बू द्वीप से आगे अब सब डबल डबल है चारों तरफ उस जम्बूद्वीप के चारों तरफ चक्कर लगाता हुआ लवण समुद्र है वो दो लाख योजन का है इस जम्बूद्वीप से डबल उसके आगे चार लाख योजन का धातकी खंड द्वीप है अब सभी रचनाएं कैसी होगी एक द्वीप होगा फिर सागर होगा फिर द्वीप होगा फिर सागर होगा फिर द्वीप होगा फिर सागर होगा ऐसे असंख्यात द्वीप और असंख्यात सागर सबसे पहला द्वीप तो जम्बू द्वीप और सबसे पहला सागर लवण समुद्र लवण सागर हुआ ऐसा आप जाते जाओ जाते जाओ तो सबसे अंत का जो द्वीप है वो स्वयंभू रमण द्वीप और सबसे अंत का सागर है वो स्वयंभू रमण सागर इस प्रकार से और वो कितना है असंख्यात योजनों का विस्तार वाला है वहां पर जो जीव रहते हैं ना वो भी बड़े बड़े रहते हैं एक हजार योजन की तो मछलियां रहती है वहां एक मछली होती है ना वो एक हजार योजन की रहती है वहां पर क्योंकि वो उसका विस्तार बहुत बड़ा हुआ है तो यहां पर मध्य लोक में जैसे अधोलोक में नारकी रहते हैं ऐसे मध्य लोक में मुख्य रूप से तिरियंश अर्थात दो इंद्रिय तीन इंद्रिय एक इंद्रिय दो इंद्रिय तीन इंद्रिय चार इंद्रिय पांच इंद्रिय पसंगनी पंज ये सब तिरंश कहलाते हैं पशु पक्षी ये सारी चीजें तिरंश पेड़ पौधे सब उनका निवास है और मनुष्यों का निवास है। और फिर देवों का भी निवास कौन से देवों का निवास है तो व्यंतर देव हैं और भवनवासी देव हैं वो दोनों प्रकार के देव भी अपने इस मध्य लोक में रहते हैं द्वीप समुद्रों पर रहते हैं क्रीड़ाएं करते हैं वो मर्जी आए वहां आ सकते हैं जा सकते हैं उनको कोई रोक टोक नहीं है कहीं पर भी जाते हैं और अक्रत्रिम भवन भी उनके बने हुए व्यंतरों के बहुत सी जगह वो बहुत विस्तार से है उसको किसी को जानना है तो अलग से शास्त्रों से जान सकते हैं फिर ये जो मध्य लोक है उस मध्य लोक में जो सुमेरु पर्वत है अब उस सुमेरु पर्वत से अपन जहां अभी बैठे हुए ना वहां से 790 योजन ऊपर जाओ यहां से 790 योजन ऊपर वहां से ज्योतिष लोक चालू होता है ज्योतिष लोक किसको कहते हैं चार प्रकार के देव हैं ना भवनवासी व्यंतरवासी ज्योतिष और वैमानिक तो वो ज्योतिष लोक चालू हुआ ये जो अपने को तारे वगैरह दिखते हैं ना तारे चंद्रमा ये सब ज्योतिष लोक ये पांच प्रकार के ज्योतिष देव होते हैं सूर्य चंद्र नक्षत्र तारे और ग्रह ये पांच प्रकार के हैं वास्तव में ये चमकते हैं वो उनके विमान हैं चमकीले विमान हैं इसलिए उनको ज्योतिष ऐसा कहते हैं ज्योतिर्लोक है वो तो सारे विमान चमकते हैं हमको वो विमान दिखते हैं और उस विमान के अंदर बड़े बड़े भवन बने हुए हैं उन देवों के रहने देवों के रहने के बड़े बड़े भवन हम कहते हैं ना कि हमारे वैज्ञानिक चांद के ऊपर जाके गए मंगल के ऊपर जाके आए तो अभी मैं तत्वार सूत्र का ऊपर वो विवेचन कर रहा हूं उसका तो उसको मैंने तुलनात्मक अध्ययन किया ये जो कहते हैं तो ये कहां कह, 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 पे जाके आए आप कहते हो मैं हम चांद पे जाके आए तो यहां से विमान गया अब उसकी दूरी यहां से जो गया उसकी चांद पे गया था उसकी दूरी है तीन लाख किलोमीटर ऊपर गया उसको ये ऐसा मानते हैं कि हम वहां पे जा जाकर के आए चांद पे जाकर के और शास्त्र में दिया है कि चंद्रमा का विमान है वो यहां से 36 लाख योजन की दूरी पर है कितने लाख योजन की दूरी पर है 36 लाख योजन की दूरी पर है अरे 36 लाख योजन नहीं छत्तीस लाख माइल उतनी दूरी पर है माइल में निकाला योजनों का फिर अपनों ने माइल में निकाला इसको तो 36 लाख मिल उतना दूर चंद्र का विमान है और ऐसे फिर दूरिया अलग अलग प्रकार से जान लेना सबसे कम से कम सबसे नीचे तारों के विमान है तारों के विमान है जो तारे दिखते हैं ना वो सबसे नीचे हैं उनके विमान और वो भी 28 माइल 28 लाख माइल से ऊपर हैं सब मतलब हमारा कोई भी विमान जो केवल तीन लाख किलोमीटर मैक्सिमम जा सकता है अब 28 लाख माइल तक पहुंचने वाला कोई विमान आज तक पैदा नहीं हुआ है अब ये कहें कि हम वहां जाकर के आ गए तो कहां जाकर के आ गए और जाकर के आ गए तो देवलोक में आपको देवता मिलने चाहिए ना परंतु वहां प्रवेश नहीं है किसी का वहां तो मरना पड़ता है और मर करके आप देव बनो तो इस विमानों पर जा सकते इसलिए भौतिक विज्ञान अभी इसकी खोज कर रहा है करेगा बीच बीच में ये वो आते हैं ना वो क्या कहते हैं किसी ग्रह से प्राणी आता है इसका नाम अच्छा अच्छा एलियंस एलियंस ऐसा कहते हैं तो इसका भी तुलनात्मक अध्ययन किया अपने विद्वानों ने पंडितों ने कि ये एलियंस वास्तव में ये क्या है तो वास्तव में ये कुमानुष है जो अपने यहां मध्य लोक में कुभोग भूमिया बहुत सारी और वो बहुत लंबी चोड़ी है कुभोग भूमिया उसमें विचित्र प्रकार के इंसान रहते हैं उसमें क्या है उनका शरीर तो मानव का रहता है और उनके चेहरे होते हैं ना मुख किसी का बंदर के जैसा है किसी का हाथी के जैसा है किसी के कुत्ते के जैसा है कोई पक्षी के जैसा है तो ये एलियंस भी उसी प्रकार के सारे के सारे और कभी कोई भूले भटके उनके पास ऐसी शक्तियां भी होती है भूले भटके आ जाता है कोई मिल जाता है खूब मानुष को ऐसा मानते किसी ग्रह से आया है, अर्थात ज्योतिष लोक से आया है। वो किसी ज्योतिष लोक से आता नहीं यहां के पहाड़ वगैरह इतने ऊंचे हैं ये ज्योतिष लोक है वो सारा का सारा मध्य लोक में वो लोक में नहीं आता है, क्योंकि मध्य लोक कितना ऊंचा है तो जितना सुमेरु पर्वत है उतना लोक है तो सुमेरु पर्वत तो अपने जो सतह है ना सतह के नीचे दस हजार योजन नीचे पाताल में है उसकी नींव है और नब्बे हजार और चालीस योजन ये ऊपर है वहां तक हमारा मध्य लोक है और ये ज्योतिष लोक तो कहां तक है केवल कि यहां से सात सौ नब्बे योजन ऊपर और वहां से लगा करके आठ सौ योजन तक में ये सूर्य चंद्र तारे ग्रह और नक्षत्र ये पांचों प्रकार के जितने भी ज्योतिष देव हैं वो सब केवल 110 योजन की मोटाई की जो जगह है आकाश में उसी में रहते हैं और वो ऐसे तिरियक फैले हुए हैं ये ऊपर ऊपर है सबसे नीचे तारे उसके ऊपर सूर्य के विमान उसके ऊपर चंद्र का विमान उसके ऊपर ग्रहों का नक्षत्रों का विमान और उसके ऊपर क्रमशः ग्रहों के विमान है ऐसे ऊपर 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 उसके विमान है एक एक विमान कोई संख्यात योजन का है कोई असंख्यात योजन का है वहां संख्यात देव लोक रहते हैं वो तो अपना विशेष अपने अभी जानने के एक विमान उसमें चंद्रमा है उसका इंद्र है और सूर्य है उसका प्रति इंद्र है वो उनका परिवार है एक चंद्रमा अभी एक चंद्रमा और एक सूर्य ऐसा नहीं है अब ये जम्बूद्वीप है उसमें दो चंद्रमा दो सूर्य हैं, उसी उतना ही उसका परिवार है उतनी संख्या में तारे होंगे उतनी संख्या में ग्रह होंगे उतनी ही अनुपात में नक्षत्र होंगे ऐसे आप धातकी खंड में फिर लवण समुद्र में जाओ तो वह चार सूर्य चार चंद्र होंगे फिर आगे जाओ वहां पर धातकी खंड में तो वह आठ सूर्य आठ चंद्र बारह सूर्य इस प्रकार से होंगे वहां पर और ऐसे जाओ तो ऐसे तीरियक रूप से फैले हुए अंतिम लवण समुद्र है वहां पर असंख्यात सूर्य असंख्यात चंद्र विमान है और वहां पर तारों की तो कोई गिनती नहीं है उतना उसका परिवार ग्रह नक्षत्र ये सब असंख्यात प्रकार के और उसमें रहने वाले देव वहां तो विमान ही असंख्यात है तो उसमें रहने वाले देव भी असंख्यात हैं इसलिए जितनी देवों की संख्या है ना उनमें सबसे अधिक संख्या ज्योतिष देवों की है क्योंकि उनके विमान सबसे अधिक होते हैं तो ये ये जो तिरक फैला हुआ ज्योतिष लोक है इसमें से जो ढाई द्वीप में रहते हैं ढाई द्वीप कितना कहलाता है जम्बूदीप लवण समुद्र धातकी खंड और आधा पुष्करार्ध आधा पुष्करार्ध होता है पुष्कर का पूरे को आधा कर दो उसका तो दीप में केवल जम्बू दीप और धातकी खंड और आधा पुष्कर दीप उसको ढाई द्वीप ऐसा कहते हैं उस ढाई द्वीप में जितने चंद्रमा हैं, सूर्य हैं, ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, तारे है। वो ही सब चलते हैं बाकी कोई नहीं चलता बहिरावस्थिता ऐसा सूत्र है कि बाहर के इस ढाई द्वीप के बाहर जितने भी चंद्र सूर्य हैं तारे ग्रह नक्षत्र हैं वो सब अपनी जगह स्थिर हैं और वो अपनी ज्योति से स्थिर विमान है ये विमान क्या है इस इस सुमेरु पर्वत के चारों तरफ अपनी जगह बना करके वो चक्कर लगाते रहते हैं इनके चक्कर लगाने से ही समय का कालगणना होती है कि सूर्य जंबूद्वीप है उस जम्बूदीप के इस भाग से लगा करके उस भाग में आया तो कितना समय लगा तो भाई पूरा बारह घंटे लगे फिर यहां से यहां आने में उसको और बारह घंटे चौबीस घंटे जितने भी घंटे लगते हैं फिर गलियां हैं उसकी यहां से लगा करके इस गली में गया तो एक गली से दूसरी गली में जाने में कितना समय लगा तो कहा भाई एक मुहूर्त लगा अथवा एक घड़ी लगी तो वहां घड़ी का काल गणना होती है तो इसे घड़ी घंटा मिनट सेकंड ये जितना भी ये ऋतु अयन ये सब जितने काल निकले ना वर्ष संवत्सर वगैरह ये सब उनके घूमने के आधार पर से इसलिए ज्योतिषी अपने ज्योतिष विद्या होती है ना ये सारी ज्योतिष विद्या उनके चलने के आधार पर है यहां से ये इतना चलता है तो ये नक्षत्र यहां से यहां गया वो नक्षत्र इधर से इधर गया सूर्य इधर से यहां आया अब राहु और केतु है अब क्या है राहु केतु की गति सूर्य और चंद्र से थोड़ी अधिक है उसकी मोटाई थोड़ी अधिक है तो कभी कभी क्या है कि उसके बीच में आ जाता है बीच में आ जाता है तो अपने ग्रहण होता है वो सारी विस्तार से वस्तुएं शास्त्रों में है वो किस प्रकार से है जिसको अधिक जानना है तो वो जान सकता है ये ज्योतिष लोक है और ज्योतिष लोक के ऊपर ऊपर का मतलब क्या ये सुमेरु पर्वत की जो चोटी है उस चोटी से ऊपर एक बाल छोड़ो इतनी जगह से ऊपर फिर वैमानिक देवों के विमान चालू हो जाते सोलह प्रकार के विमान है उसमें सोधर्म सान कुमार महेंद्र इस प्रकार के सोलह विमान है वो सोलह विमान दो दो के युगल में है सौधर्म और ईशान और सौधर्म सान कुमार और महेंद्र ब्रह्म और ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लानता और कापिश शुक्र महाशुक्र और इस प्रकार से आगे आरण अचूत ये आनंद प्राणत ये सारे ऊपर सोलह प्रकार के विमान है वो दो दो की जोड़ी में ऊपर 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 एक no. एक आधा आधा राजू का अंतर छोड़ करके हैं उनमें सब वैमानिक देव रहते हैं जिसने विशिष्ट पुण्य किया है और जो विशिष्ट रिद्धि सिद्धियों वाले होते हैं वो वैमानिक देवों में उत्पन्न होते हैं बाकी जिनने ने कम पुण्य किया है वो ऐसे भवनवासी व्यंतरवासी और ज्योतिष में उत्पन्न होते हैं उन विमानों के ऊपर छह प्रकार के वो युगल कल्प कहलाते हैं उनको कल्प कहते हैं सोलह उन सोलह कल्पों के ऊपर फिर नौ ग्रवेक विमान है उसमें विशिष्ट प्रकार के जो मुनि वगैरह होते हैं जो विशिष्ट पुण्य करते हैं परंतु उनको अभी मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ है। तो अब जाएंगे वो तो कोई दुर्गति में तो जाएंगे नहीं क्योंकि पुण्य बहुत क्या ना तो वहां पर उत्पन्न होते हैं और वहां पर बहुत सुखोपभोग की साता की सामग्री है उनके ऊपर फिर नौ अनिर्दिष्ट विमान और हैं वहां पर जो ज्यादा से ज्यादा जिनको दो भाव लेने हैं ऐसे ही प्राणी ऐसे ही मुनि वहां पर पैदा होते हैं और उसके ऊपर पांच अनुत्तर विमान है वहां पर चार विमानों में तो एक या दो भावारी होते हैं और अंतिम सरवार सिद्धि का विमान है उसमें केवल जो एक ही भाव बाकी है वो जीव वहां पर पैदा होते हैं और अपने पुण्य को वो वहां पर भोगते हैं और उनमें से उन सर्वार सिद्धि से ऊपर बारह योजन के ऊपर ये आठवीं पृथ्वी है जिसको सिद्धशिला कहते हैं अपने सात पृथ्वी तो नीचे वाली हो गई इस पूरे लोक में पृथ्वी आठ ही हैं सात तो नीचे वाली हो गई ना रत्न प्रभा बालू का प्रभा ये अपनों ने गिनी थी ये सात पृथ्वियां हुई और उसके वो आठवीं पृथ्वी फिर ईशत प्राग भार कहते चित्रा पृथ्वी तो रत्न प्रभा का भाग है वो अलग से कोई पृथ्वी नहीं है ईषद तो प्राग भार नाम की अब पूरे अभी देखो अपनी इस ये जो रत्न प्रभा है यहां से लगा करके अनुत्तर विमानों तक बीच में कोई पृथ्वी नहीं है वहां कोई आपको मिट्टी नहीं मिलेगी कुछ नहीं मिलेगा वहां पर जितने भी स्वर्ग के ज्योतिष के विमान है वो रत्नों के से निर्मित है वहां पृथ्वी नहीं है और जहां देवलोग रहते उनके भवन भी सब रत्नों से बने हुए वहां किसी प्रकार की कोई मिट्टी आदि होती नहीं है वनस्पतियां भी वहां किसी प्रकार की होती नहीं है तो ऐसे वो फिर पृथ्वी कहां होगी तो ऊपर जाकर के फिर पृथ्वी होगी सबसे ऊपर उसको प्राक भार कहते हैं सारे विमान पूरे हो जाएंगे और अंतिम विमान के बारह योजन ऊपर वो पृथ्वी उसको ईश्वर प्राग भार कहते हैं उसको सिद्ध शिला भी कहते हैं और उस सिद्ध शिला है वो अंतिम पृथ्वी है उसके ऊपर तनुवातवल उस तनुवात वलय इस लोक का अंतिम स्थान है वहां पर सिद्ध लोक है अर्थात जो भी सिद्ध होते हैं ना वो वहां पर जाकर के अटक जाते हैं ऐसे वहां सभी इस, इसको लोक शिखर कहते हैं लोक के अग्र भाग पर जाना अपन कहते हैं ना कहां जाएगा अब इस संसार से मुक्त हो गया व्यक्ति तो कहां जाएगा तो लोक के अग्र भाग पर वो चला जाता है इस प्रकार से ये सामान्य रूपरेखा मैंने आपको इस पूरे लोक की बताई जिसको ज्यादा जानना है उसको बहुत से शास्त्र है उसमें से जान सकते हैं कार्तिकेय अनुप्रेक्षा वगैरह त्रिलोकसार है त्रिलोक प्रणति है इसमें बहुत से है उसमें जान सकते हैं डिटेल से तत्वार सूत्र की टीकाओं में से जान सकते हैं बहुत सारे अब क्यों जानना ये हम कल बताएंगे इसको कि लोक स्वरूप भावना की जरूरत क्या है अपने को इतना सारा जानने की क्योंकि फालतू में है ये सारी चीजें तो कोई भी आगम की कोई वस्तु फालतू नहीं होती और कोई वस्तु अप्रयोजनभूत होती नहीं है प्रयोजनभूत और अप्रयोजनभूत केवल व्यक्ति सापेक्ष आपकी शक्ति कितनी है इसके आधार पर प्रयोजनभूत और अप्रयोजनभूत बताया गया बाकी द्वादशांगी का कोई भी ज्ञान अप्रयोजनभूत नहीं है अगर कोई ज्ञान अप्रयोजनभूत हो तो गणधर देव उनको उनका पारायण क्यों करते अप्रयोजन भूत में क्यों मस्तिष्क लगाना फालतू में पर उनकी इतनी शक्ति है कि उनके लिए वो प्रयोजन भूत हो जाता है, तो कल उनको जानने का परमार्थ बताएंगे कि ये जानने से क्या लाभ है अपने को और उसका चिंतन करने से लाभ क्या होता है आत्मा का क्या होता है वो कल सुखदाम अनन्तसन्त च दिनरात्रे त प्रणमो पदते वर्ते प्रणमोदतेज ओ वर्ते। सद्गुरु परम परमकृपाण त्रिलोकनाथ जय सब की जय आनंद एक मिनट में ओ, शांति शांति Shanti the